नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। शिक्षक क्लिनिक रेडियोग्राफर सहित चार मिले कोरोना पॉजिटिव। जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 157। मध्य प्रदेश की न्यायधानी जबलपुर में कोरोना कहर जारी है, हर रोज आंकड़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। ICMR लैब से मिली रिपोर्ट्स में कोरोना के चार और पॉजिटिव मामले सामने आए। पॉजिटिव मिले व्यक्तियों में बेलबाग टूरिया का गौरव अरखेल उम्र 18 वर्ष, चांदनी चौक निवासी खतीब अंसारी 38 वर्ष तथा मंडी मदारी टेकरी निवासी सलीम अहमद 47 एवं उनकी पत्नी अंजुम परवीन 48 वर्ष शामिल है। इन्हें मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 157। हम आपको बता दें कि खतीब अंसारी मोतीनाला क्लिनिक में रेडियोग्राफर है। उन्होंने 9 मई तक ड्यूटी की है। मंडी मदार टिकरी निवासी सलीम अहमद काकरखेड़ा पाटन में शिक्षक है। सलीम अहमद की पत्नी पूर्व में संक्रमित पाई गई। सहनाज अंसारी की बहन है। गौरव अरखेल 10 मई को बुखार से पीड़ित हुए थे। वे 11 मई को कोतवाली हॉस्पिटल गए थे। इसी दिन का उनका सैंपल लिया गया था। जबलपुर सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।